अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद भारत की हुई मानहानि, इलाहाबाद के अधिवक्ता ने किया लोअर कोर्ट में मुकदमा दायर। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा भारत देश के विरुद्ध दिए गए बयान की भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी है, उनके इस बयान से भारतवासियों की, भारत की जनता को, भारत देश को जो ठेस, धक्का और अपमान पहुँचा, हमने बराक ओबामा के विरुद्ध 500 आईपीसी के तहत मानहान का मुकदमा इलाहाबाद की जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीमती नीलमा सिंह के कोर्ट में दर्ज कराया, जिसकी अगली सुनवाई 18 को होगी। मैंने अपने परिवार के माध्यम से बराक ओबामा से धार्मिक असहिष्णुता का पाठ पढ़ने का अनुरोध किया है कि भारत जैसे विविधता वाले देश, सभी धर्मों को मानने वाले देश, भारत के अंदर जो कि हर धर्मों के मानने वाले लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे पदों पर पदारूढ़ हुए, उस भारत के अंदर धार्मिक असहिष्णुता की बात कहना, बराक ओबामा का बयान बहुत ही निंदनीय और ओछा है और उन्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने उनसे ही पूछा है कि आप बताइए कि अमेरिका के अंदर 9 सिखों की हत्या गुरुद्वारे में कर दी जाती है, श्वेत नागरिकों के द्वारा अश्वेतों की हत्या की जाती है, वहाँ के पादरी के द्वारा पवित्र मुस्लिमों का ग्रंथ कुरान जलाया जाता है, आपको धार्मिक असहिष्णुता याद नहीं आती है? यहाँ के भारतीय पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जिनका नाम सिर्फ मुस्लिम होने के कारण शाहरुख खान, आजम खान को निर्वस्त करके आप घंटों बंधक बनाए रखते हैं एयरपोर्ट पे, तब आपको धार्मिक असहिष्णुता की याद नहीं आती? भारत जैसे विविधता वाले देश की तुलना इराक और सीरिया से किया जाना किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर बराक ओबामा माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें यहाँ पे दंडित कराने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। सुशील मिश्रा, एडवोकेट, हाईकोर्ट, इलाहाबाद।